हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार, विजन क्लासेस इटमा के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, आज हमने वीडियो को दूसरे पार्ट में लेकर के आया हूँ और हम आज दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग अगर पिछले वीडियो का अगर जो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट टू को देखेंगे। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक। तो आज हमने दूसरा पार्ट को लेकर आया हूँ। तो हमने जहाँ तक हम पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने एंड किए थे, जस्ट हम आज उसके बाद लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है किरण पुंज। किरण पुंज के बारे में पहले समझते हैं, वो किरण पुंज कहते हैं किसको, ठीक। तो किरण पुंज का मतलब होता है कि किरणों को समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम लोग ढेर सारा अगर जमात लगा देते हैं बाबू, तो उसको एक समूह बोला जाता है, ठीक ना। उसी तरह से किरण, किरण के समूह, जहां ढेर सारा किरण का समूह पास कर रहा है उसी को हम लोग किरणों का समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक। किरण पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है, ठीक। निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है बाबू। पहला होता है क्या चीज, अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है, पहला जो किरण पुंज है वो उसको बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। दूसरा को बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज और तीसरा को बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। तो सबसे बारह बारी हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि हम लोग अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे और समानांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि अपसारी, अपसारी, ठीक। अप मतलब हम, अप मतलब क्या होता है हम, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि अपसारी, कहने का मतलब यही है कि जब किरणों को समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसी बोलते हैं कुछ बाबू अपसारी किरण पुंज। कहने का मतलब है कि अप मतलब हम, हमसे जितना लोग अगर बिखरेगा, ठीक ना, हमसे हम एक समझो कि बिंदु है, हम एक बिंदु है, ठीक ना। ये हम एक बिंदु से, हमसे अगर जितना भागेगा, ठीक ना, भागेगा, ठीक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कुछ बाबू अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर मेरा एक बिंदु है, यहाँ पर हम लोग एक सूर्य का प्रकाश है बाबू, सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ से किरण को निकालना, जहां से एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं कुछ अपसारी किरण पुंज। जैसे कहने का मतलब देखियो, किरणों के समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है, एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अपसारी किरण पुंज, उसी को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज बाबू। अगला क्या चीज है, अगला हम लोग का क्या चीज, अपसारी किरण पुंज। अगला क्या चीज है हम लोग का, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है ना, कि विस्तृत क्षेत्रों से हमारे तरफ जो आती है उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे कहने का मतलब बाबू, ये कहने का मतलब ये, अगर सपोज यहाँ से किरण आ रही है, ठीक, यहाँ से आ रही है, जहाँ किरण मतलब कहीं से भी आ गई लेकिन एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है बाबू, उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखो हम डिफिनेशन में लिखे हैं कि जब किरणों का समूह एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई कुछ होता है बाबू, प्रतीत होता है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक, अभिसारी किरण पुंज, ठीक। कहने का मतलब है कि जब किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक। आगे हम लोग का दूसरा टॉपिक खत्म किया, दूसरा हाँ, अगला हम लोग का समानांतर किरण पुंज। अगला क्या चीज हम लोग का, समानांतर किरण पुंज। हम अगला हम लोग का क्या चीज है बाबू, समानांतर किरण पुंज, ठीक ना। समानांतर किरण पुंज में क्या होता है कि जब किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर होती है, जब किरणों का समूह एक दूसरे को समानांतर होती है, ठीक ना, किरणों का समूह एक दूसरे का समानांतर होती है, उसी को बोला जाता है समानांतर किरण पुंज, उसी को जो बोलते हैं वो समानांतर किरण पुंज, ठीक ना। जैसे मैं एक दूसरे से मान लिया जाए कि ये किरण का एक रेखा है, ठीक, ये किरण है, ठीक, तो इसके समानांतर अगर ये आ जाती है या इसके समानांतर ये आ जाती है, तो मतलब कहने का मतलब एक दूसरे को जो समानांतर होगी किरण, ठीक ना, उसी को हम लोग समानांतर किरण पुंज बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, समानांतर किरण पुंज, ठीक। तो हम लोग किरण पुंज समझ गए हैं बाबू, किरण पुंज। पहला किरण पुंज का क्या कहते हैं हम लोग, पहला का कहते हैं अपसारी, दूसरा का बोलते हैं अभिसारी और तीसरा का किरण पुंज को बोलते हैं समानांतर किरण पुंज, ठीक। ये हम लोग को कोई बड़ी चीज नहीं थी, ठीक। तो हम लोग एक टॉपिक खत्म किए, अगला टॉपिक का नाम है
कि जो किसी वस्तु अगर आर पार देखने वाला जो पदार्थ होती है ना, आर पार देखने के लिए जो पदार्थ होती है, जैसे मैं कहने का तो कांच, कांच को हम आर पार देख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं लकड़ी, लकड़ी से हम आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सही कि नहीं? समझ रहा है ना, हम लोग कांच से, हम लोग कांच से हम लोग देख सकते हैं, कांच से हम लोग आर पार देख सकते हैं, कांच से हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक ना, कांच से हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग कांच को जब आर पार देखेंगे बाबू, तो हो जाएगा कुछ पारदर्शी वस्तु, ठीक ना, पारदर्शी वस्तु हो जाएगा, ठीक, पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। जैसे में परभाषी होता है, एक परभाषी होता है, परभाषी को हम लोग, परभाषी मतलब क्या चीज होता है, परभाषी मतलब कुछ कुछ अंश को हम आर पार देखेंगे, कुछ कुछ अंश को आर पार नहीं देखेंगे, कुछ कुछ अंश को हम आर पार देखेंगे, कुछ कुछ अंश को आर पार हम नहीं देखेंगे, ठीक ना। दूसरी बोलते हैं परभाषी वस्तु, ठीक ना। जैसे में कहने का मतलब है कि कागज में लगा हुआ तेल, ठीक ना, कागज में लगा हुआ तेल क्या चीज है, परभाषी है। घिसा हुआ पेपर, घिसा हुआ कांच क्या चीज है, घिसा हुआ कांच क्या चीज है, हम लोग को परभाषी वस्तु है, कहने मतलब नहीं, परभाषी है, ठीक ना, सॉरी, परभाषी वस्तु, जैसे घिसा हुआ कांच परभाषी है, ठीक। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जैसे हमें लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईटा हो गया, ये सब क्या चीज है, हम लोग के अपारदर्शी वस्तु है। तो कहने का मतलब ये देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी, हम लोग तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पारदर्शी में क्या होता है कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार जा सके, वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार जा सके, ठीक ना, उसे बोलते हैं कुछ पारदर्शी वस्तु। जैसे में क्या होता है, जैसे में हम लोग सफेद कांच, सफेद कांच से हम आर पार देख सकते हैं कि नहीं, सफेद कांच से हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग पारदर्शी। आगे कुछ हवा, बाबू हवा से हम लोग आर पार नहीं देखेंगे, एकदम परफेक्ट दिखाई पड़ता है हवा, तो वो भी क्या चाहिए हम लोग का, ये हम लोग का पारदर्शी वस्तु है। उसी तरह से प्लास्टिक, बाबू प्लास्टिक से भी हम आर पार देख सकते हैं, ठीक ना, प्लास्टिक से भी हम आर पार देख सकते हैं, ठीक, तो उसी को बोलते हैं कुछ पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। अगला कुछ है बाबू अपारदर्शी। देखिये अपारदर्शी में क्या चाहिए कि वह वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना हो सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक, वह वस्तु जिसे प्रकाश आर पार ना देख सके, ना हो सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे इनका चलता बाबू ईट, ईट को देखो ना, ईट से हम आर पार देख सकते हैं, ईट से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक ना, तो ईट भी क्या चाहिए, ईट एक मेरा अपारदर्शी वस्तु है। अगला बाबू बुक, किताब है, किताब से हम आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक ना, तो किताब भी क्या चाहिए मेरा अपारदर्शी वस्तु है, ठीक। आगे क्या चाहिए बाबू मेटल, मेटल से हम आर पार देख सकते हैं, मेटल मतलब लोहा, ठीक, कोई भी मेटल, तो उसे आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक ना, तो वो भी क्या चीज है अपारदर्शी वस्तु है। इस तरह से बहुत सारे संसार में ऐसा चीज है जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक ना, उसी को रहता है। आगे हम लोग का परभाषी वस्तु है, परभाषी, परभाषी मतलब क्या होता है, परभाषी का मतलब कुछ कुछ अंश पार हो या कुछ कुछ अंश मेरा रह जाए, ठीक ना, कुछ कुछ अंश मेरा पार हो जाए, कुछ कुछ अंश मेरा रह जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परभाषी वस्तु बोलते हैं। जैसे वह वस्तु जिससे प्रकाश का कुछ भाग आर पार हो सके, उसी को परभाषी वस्तु बोला जाता है। जैसे में देखिएगा, जैसे में घिसा हुआ कांच क्या है, कांच को अगर एक प्लेन कांच को अगर इस तरह से देखिएगा, सफेद कांच को, तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग पत्थर से या ईंट से उसको घिस दीजिए पूरा, और घिसने के बाद देखिएगा तो आसानी से दिखाई नहीं देगा, कुछ कुछ अंश इधर रह जाएगा, कुछ कुछ अंश हम लोग देखते हैं, ठीक नहीं, मतलब पूरा हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक। अगला कुछ है तेल लगा हुआ पेपर, अब तेल लगा हुआ पेपर से भी हम लोग नहीं देख पाएंगे कि नहीं, तेल लगा, अगर आप लोग इसको आप एस्टीमेट अथी मतलब करके देख सकते हैं, एक कांच में, एक पेपर में अब तेल लगा के देख लीजिए, और तेल लगा करके उसको देखिए, आप कुछ अंश दिखेगा, कुछ अंश नहीं दिख पाएगा, ठीक ना। आगे क्या चाहिए, गुब्बारा, जो रंगीन गुब्बारा होता है, वो गुब्बारा से भी अगर देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा लेकिन कुछ हम लोग के दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो आगे इस तरह से बहुत ऐसा चीज है बाबू, जैसे रंगीन पेपर है बाबू, रंगीन पेपर को भी हम लोग नहीं देख पाते, रंगीन पेपर से भी हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक ना, कुछ कुछ अंश दिखाई देता है तो कुछ कुछ अंश नहीं दिखाई देता है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया, हम आर पार देखने के लिए कुछ वस्तु है बाबू उसी को, ठीक ना। तो ये मतलब यहाँ तक हमने चालू किए, इसके बाद आगे जस्ट फिर से हम लोग मिटा के चालू करने वाले हैं, ठीक ठीक है बाबू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन, ठीक, प्रकाश का परिवर्तन। देखिएगा प्रकाश का परिवर्तन होता क्या चीज है, देखिएगा, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, ठीक ना, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से लौटती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
जैसे देखिएगा बाबू प्रकाश का परावर्तन हम क्या पढ़ते हैं, जब किसी सतह से जब प्रकाश की किरण आती है बाबू किसी माध्यम से, सपोज मान लीजिए माध्यम मेरा क्या है, मेरा सूर्य का प्रकाश है मेरा माध्यम है, ठीक ना, किसी माध्यम से मेरा प्रकाश की किरणें प्रकाश जो सूरज की किरण बाबू ये मेरा माध्यम है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब पड़ती है कहाँ पे, किसी परावर्तक सतह से, किसी भी परावर्तक सतह पे पड़ती है, और पड़ने के बाद जब लौटती है बाबू क्या बोले थे हम पिछले क्लास में, कि जब किसी भी प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक ना, आंखों तक पहुंचती है, उसको हम प्रकाश बोलते हैं, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण जब यहाँ से हमारी किसी परावर्तक सतह पे पड़ती है और पड़ने के बाद जब लौटती है, पड़ने टकर कोई भी चीज बाबू, जब अगर सपोज मान लीजिए कि प्रकाश किरण यहाँ से आ रही हो किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद यहाँ से लौटती है, तो एकदम जरूरी है बाबू जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ से टकराने के बाद लौटी ही लौटेगी, ठीक ना। तो ये जो लौटने की जो घटना है, जब प्रकाश की किरण जब आती है और आने के बाद जब परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद जब लौटने की जो घटना है बाबू, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक ना। एकदम रटना नहीं है, समझ लेना है पूरा चीज को, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना, पहले समझने के लिए सीख लो, ठीक। तो वही बात है बाबू, तो सबसे पहले इसको समझो, ठीक। तो जैसे जैसे मान लिया जाए कि मान लीजिए ऊपर से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, ठीक ना। तो प्रकाश की किरण जब आती है बाबू, तो जो आती है किसी समतल सतह से टकराती है, ठीक, किसी सतह से टकराती है, तो जो आने वाली जो किरण जो होती है उस किरण को जो नाम क्या चाहिए बाबू, आपतित किरण नाम है बाबू, क्या नाम है, आपतित किरण। देखो आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। तो आपतित किरण क्या कैसे बोलेंगे, जैसे देखिएगा किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें को आपतित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी माध्यम से, मेरा सूर्य क्या है, एक माध्यम ना है, सूर्य एक माध्यम है, तो सूर्य मतलब सूर्य की किरण, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया है किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरण बोला जाता है, ठीक है, आपतित किरण बोलता है। अब देखिएगा, अब सूर्य की किरण तो किसी सतह पे आ गए बाबू, अब आने के बाद लौटेगी, लौटेगी ना, जब आने के बाद जब ये किरण लौटती है बाबू, ये जब किरण लौटती है तो इसी किरण को क्या नाम है हमको, परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोला जाता है, परावर्तित किरण, ठीक है। जैसे परावर्तित किरण यहाँ पर भी लिख दिए, ठीक, जैसे देखो परावर्तित किरण क्या होती है, किसी परावर्तक सतह से, ये मेरा परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे किसी परावर्तक सतह जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर टकरा रही है, और टकराने के बाद जो किरण लौटती है बाबू, टकराने के बाद जो किरण लौटेगी उसी को बोलते हैं क्या चीज, परावर्तित किरण बोला जाता है, ठीक, क्या चीज, समझ गए आप लोग, समझ गए परावर्तित किरण किसको बोलते हैं। उसके बाद क्या चीज है बाबू, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब कहने के बाद, अब देखिएगा कहने का मतलब समझिएगा, आपतन बिंदु को छोड़कर पहले हम लोग अभिलंब समझते हैं, अभिलंब किसको बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब पहले समझेंगे, ठीक। कहने का मतलब अभिलंब क्या चीज है, कि आपतित किरण, देखिएगा आपतित किरण यहाँ पे आपतित किरण है, ठीक, और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब होता है बाबू, डाला गया लंब, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोला जाता है, क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब, यही, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब, उसी को वो क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक, क्या हो गया हमारा, अभिलंब, अभिलंब हो गया, ठीक, अभिलंब, ठीक, समझिएगा इसको, कि आपतित किरण ये मेरा परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब है बाबू, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे, ठीक ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे, ठीक ना, तो इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब के बाद, इसके बाद हम लोग क्या आता है बाबू, आपतन बिंदु। अब देखिए बाबू, यहाँ से प्रकाश की किरण आ गया, यहाँ के बाद लौट गया, इसके बीच में जो हम लंब डाले उसको अभिलंब भी बोलते हैं। तब तीनों जो एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है बाबू, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर जो मिलती है बाबू, उसी को तो हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण, मेरा ये मेरा आपतित किरण है ना, दूसरा का क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, मेरा परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है, तीनों मेरा यही बिंदु पर मिलती है बाबू, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन बिंदु बोला जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो आपतन बिंदु समझ गए होंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब एक ही बिंदु पे मिलती है, एक ही सतह पे मिलती है, क्या एक ही
तीनों एक ही बिंदु पे मिलती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोला जाता है। इतना समझ लो हमें, क्या क्या समझे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। अभिलंब भी समझा दिया ना, अभिलंब क्या बोलते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब उसी को अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, देखो आप नहीं तो ये भी बोलेंगे आपतन बिंदु से डाला गया लंब, ये मेरा आपतन बिंदु है बाबू, ये मेरा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु से ही डाला गया लंब उसी को तो अभिलंब बोलते हैं, उसी को अभिलंब बोला जाता है। ठीक ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, एकदम सिंपल तरीका से समझना है बस, आपतन बिंदु समझ गया था, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब वही तो अभिलंब कहलाता। ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और इसको पढ़ाना भी बहुत जरूरी है हमको, क्या कि जो मैट्रिक में आप लोग को मैट्रिक का स्टूडेंट है और सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव में डिफिनेशन आ जाएगा तो समझ रहेगा तभी लिख पाएगा, और अपने से तो कभी ना कभी भुला ही जाएगा, इसलिए समझ लीजिए पहले। आगे क्या चाहिए हम लोग का, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, हम लोग को दो टॉपिक और बच गया, दो टॉपिक पढ़ा बता रहे हैं। ठीक है, आपतन कोण कैसे किसको बोलते हैं, देखो बाबू आपतन कोण के बारे में समझिएगा, देखिएगा आपतित किरण और आपतन बिंदु, आपतन कोण, आपतित किरण और आपतन कोण, देखो तो मिलता जुलता शब्द है ना, तो बस इसी मिलता जुलता शब्द से इसको हम डिफिनेशन बताते हैं। देखिएगा आपतन कोण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो कोण बनता है उसी को तो बोलते हैं आपतन कोण। ठीक ना, क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है भी वही चीज, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे कोण मतलब स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, छोटा वाला आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको छोटा वाला आई से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको कहेंगे क्या चीज कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे, अपतन कोण कहते हैं। उसके बाद क्या आ गया बाबू, परावर्तन कोण, उसके क्या आ गया, परावर्तन कोण आ गया। ठीक है, तो परावर्तन क्या कोण किसको बोलते हैं, देखो परावर्तन कोण और परावर्तित किरण दोनों एक ही शब्द से मिलता है क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि परावर्तन कोण क्या है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है, अभिलंब के बीच बना कोण को ही परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। ठीक, अब इसमें अगर कहीं पर प्रॉब्लम अगर होगा, कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगा तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक ना, और इस चीज इस जो लिखा हुआ चीज को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, और इसको आप लोग नोट एकदम बहुत अच्छे ढंग से बनाइएगा नोट। ठीक ना, जो भी आप लोग को दे रहे हैं समझिए एकदम फैक्ट दे रहे हैं। ठीक ना, आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाला, खास करके प्रकाश का परावर्तन तो आएगा ही आएगा ना, वीवीआई टॉपिक है। ठीक ना, वीवीआई टॉपिक है। ठीक, तो ठीक है, आज तक इतने रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन नियम पढ़ेंगे। ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कितने ढंग से होता है, ये सब सारी चीज को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आपका नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक, ओके, थैंक यू।